नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों को नो इन शॉर्ट के एक नए एपिसोड में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आप अपने मोबाइल में ही काइनमास्टर ऐप का यूज करके बहुत ही अच्छी लोअर हेड डिजाइन कर सकते हो। दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर मैंने और एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने दिखाया है कि किस तरह से जो बेसिक लेवल का लोअर हेड है वो अपने मोबाइल में डिजाइन कर सकते हो। ये वीडियो उसी वीडियो का सीक्वल है जिसमें मैं थोड़ा सा एडवांस लेवल का लोअर हेड्स आपको बना के दिखाऊंगा अपने मोबाइल में का यूज करके। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक ताकि ये ट्यूटोरियल आप भी सीख पाए और अपने वीडियोस के लिए या फिर अपने प्रोजेक्ट के लिए आप लोअर हेड डिजाइन कर पाए। तो चलिए ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए एंड उसके बाद मीडिया में जाके एक बैकग्राउंड सिलेक्ट कर लें एंड अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसके लेंथ को आप एडजस्ट कर लें। ओके, और इसका कलर मैं चेंज करके ग्रीन कर लूँगा। देखिए मैंने ग्रीन सिलेक्ट कर लिया है एंड अभी इसमें मैं शेप ऐड करूंगा। उसके लिए आप लेयर्स में जाके इस तरह से शेप ऐड कर सकते हैं। इसका कलर मैं वायलेट सिलेक्ट कर लेता हूं। ये देखिए मेरा रेक्टेंगल जो शेप है वो मैंने ऐड कर लिया है। मुझे दो रेक्टेंगल चाहिए होगा इसीलिए मैं इसका डुप्लीकेट लेयर बना लूंगा। देखिए एंड दोनों रेक्टेंगल्स को मैं बारीकी से इस तरह से मर्ज कर दूंगा ताकि दूर से देखने में मुझे एक रेक्टेंगल जैसा दिखाई दे। देखिए इस तरह से एडजस्ट कर ले। उसके बाद मैं दोनों में एनिमेशन ऐड करूंगा। तो इन एनिमेशन में इसमें यूज़ कर रहा हूँ वाइप राइट, जो राइट वाला रेक्टेंगल है उसके लिए। ओके, और मैं एनिमेशन का ड्यूरेशन को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि वो फास्ट हो। और सिमिलरली मैं दूसरे रेक्टेंगल के लिए भी इन एनिमेशन ऐड कर लेता हूँ। उसका अपोजिट जो एनिमेशन होगा उसको ऐड कर लेंगे, मतलब वाइप लेफ्ट। ये देखिए वाइप लेफ्ट एंड इसका भी ड्यूरेशन मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ ताकि जो एनिमेशन हो फास्ट हो। तो अभी मेरे पास इस तरह का कुछ एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। ओके, तो अभी हम यहाँ पे लाइन सेट करेंगे। उसके लिए आप लेयर्स में जाके रेक्टेंगल शेप सिलेक्ट करके इस तरह से लाइन ड्रॉ कर ले। मैं यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट कर रहा हूँ, आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। जो लाइन होगा उसका हाइट रेक्टेंगल के हाइट के साथ मैच करना चाहिए इसलिए मैं इसको सही तरह से मैच करा लेता हूँ। ओके, एंड उसके बाद इस लाइन को हम एनिमेट करेंगे। ओके, देखिए मैच करा लिया एंड उसके बाद एनिमेशन के लिए सबसे पहले इसको नीचे लेके जाएंगे एंड उसके बाद की को प्रेस करेंगे एंड अभी जैसे हम उसको मूव करेंगे तो की फ्रेम क्रिएट होगा। ओके, देखिए पहले इसको ऊपर लेके जाते हैं, ये फर्स्ट की फ्रेम क्रिएट हो चुका है, आप टाइमलाइन में दे सकते हैं। एंड उसके बाद इसको फिर बाहर की तरफ ड्रैग करेंगे साइड में इस तरह से, तो तीन की फ्रेम क्रिएट हो चुका है। ओके, हमें यहाँ पे दो लाइंस यूज़ करना होगा लेकिन अभी इसको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना बाकी है क्योंकि देखिए इसको हम लोग ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं कि लाइन जो है वो रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग रेक्टेंगल का जो लेयर्स है उसको थोड़ा सा पीछे लेके चले जाएंगे। ओके, तो देखिए अभी और थोड़ा सा पीछे लेके जाना होगा, थोड़ा सा पीछे इस तरह से। ओके, ताकि रेक्टेंगल लाइंस को फॉलो करे। ये देखिए ये हो चुका है। अभी हम लाइंस का जो लेयर है उसको डुप्लीकेट करके और एक लेयर क्रिएट कर लेंगे। तो ऑलरेडी उसमें एनिमेशन है लेकिन जो लास्ट की फ्रेम है उसको हमको चेंज करना होगा। ये देखिए, तो लास्ट की फ्रेम को चेंज करने के लिए नेक्स्ट में दबाइए जो कि नेक्स्ट की फ्रेम को लेके चले जाएगा। जो लास्ट की फ्रेम है उसको हम लोग सिंपली ड्रैग करके ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे। ओके, इस तरह से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाके सही से प्लेस कर लें। ओके, तो अभी आप देखिए इस तरह का कुछ एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। ओके, अभी हम यहाँ पे टैग्स ऐड कर लेंगे। सो टैग्स के लिए काइनमास्टर के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं बट वहाँ पे एनिमेशन अच्छे नहीं है इसीलिए मैं एक थर्ड पार्टी ऐप यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है एनिमेटेड टैग्स। तो इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। ओके, ये देखिए इसमें, ये देखिए आप कुछ भी इसमें टाइप कर लीजिए। मैं अभी के लिए यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, देखिए पहले डिलीट कर लेता हूँ, इसमें टाइप कर देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, जैसे आप उसको ओके करेंगे तो इसमें बहुत सारे रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं। ओके, मैं इसमें प्ले करके दिखा देता हूँ आपको, जो भी आपके लिए सूटेबल हो वो आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से। देखिए बहुत सारे, काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, आप यहाँ पर कलर चेंज कर सकते हो। ये देखिए, बहुत सारे अलग अलग तरह के टेम्पलेट्स यहाँ पे मिल जाता है। तो मैं अभी के लिए ये वाला टेम्पलेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड उसको सेव कर लेता हूँ एंड उसको मैं फिर अपना जो प्रोजेक्ट होगा काइनमास्टर का वहाँ पे मैं उसको इंपोर्ट कर लूँगा। ओके, तो अभी मैं अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लेता हूँ एंड उसके बाद लेयर्स में जाके
टेक्स्ट जो एनिमेशन किया था उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, अभी मैं इसको सही से अपना जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसमें मैं प्लेस कर लूँगा। पहले इसको एनालाइज कर लेते हैं, ओके, एंड उसके बाद उसका ऑपेसिटी जो है थोड़ा सा उसको रिड्यूस कर लेते हैं ताकि हमको इसके नीचे जो लेयर है उस वो दिखाई दे, एंड सही तरह से उसको प्लेस कर लेते हैं फिर। ओके, ये देखिए प्लेस कर लिया, एंड उसके बाद हम फिर से ऑपेसिटी को इनक्रीज कर देंगे। ओके, देखिए ऑपेसिटी को इनक्रीज कर दिया, एंड अभी मैं यहाँ पे क्रोमा की जो इफेक्ट है उसको यूज़ कर दूंगा। तो इस तरह से जो एनिमेटेड टैक्स है वो आ चुका है, ये देखिए। ये एनिमेट होने के बाद अभी हम यहाँ पे नेक्स्ट एनिमेशन के ऐड करेंगे, एंड उसके लिए मैं अपना इमेज यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो रिसाइज करके रेक्टेंगल का जो हाइट है उसके इक्वल बना लेता हूँ, उसको यहाँ प्लेस कर देता हूँ इस तरह से। ओके, ये देखिए इस तरह से प्लेस कर लिया। अभी इसको हम लोग एनिमेट करेंगे, सिंपली की बटन में दबा के उसको नीचे ड्रैग करेंगे इस तरह से। ओके, आप सही से जो पॉइंट है वो आइडेंटिफाई कर लें, उसके बाद उसको नीचे ड्रैग कर लें। ओके, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा इमेज का लेयर है उसमें की फ्रेम क्रिएट हो रहा है, तो इस तरह से वो नीचे आएगा। ओके, एंड इसको हम लोग अभी सेंड टू बैक कर देते हैं ताकि जो लेयर है वो बाकी लेयर्स के नीचे चले जाए। ओके, एंड कुछ इस तरह का एनिमेशन हमें मिले। ओके, आप इसका स्पीड भी चेंज कर सकते हो। अभी हम यहाँ पे और एक रेक्टेंगल शेप ऐड कर लेंगे, उसके लिए लेयर्स में जाके इस तरह से आप एक रेक्टेंगल शेप यहाँ पे ऐड कर लें। ओके, एंड उसको यहाँ पे बिल्कुल इमेज के साइड में इस तरह से प्लेस कर लें। ओके, एंड उसके बाद हम इस लेयर को एनिमेट करेंगे। ओके, एंड जो इसका इन एनिमेशन हम लोग यूज़ करेंगे, देखिए इस तरह का हो गया। अब लोग हम लोग यहाँ पे इन एनिमेशन डाल लेते हैं। इसका इन एनिमेशन हम लोग यूज़ करेंगे वाइप राइट, देखिए वाइप राइट, एंड उसके स्पीड को हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो देखिए अभी हम लोगों के पास इस तरह का कुछ एनिमेशन आ चुका है। ओके, तो अभी हमको यहाँ पे टैक्स ऐड करना होगा। ये जो अभी हम लोगों ने नया जो रेक्टेंगल बॉक्स ऐड किया है उसमें हम लोग टैक्स ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से लेयर्स में जाके टैक्स ऐड कर लेता हूँ। नो इन शॉर्ट चैनल का नाम यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। ओके, एंड उसको इस रेक्टेंगल बॉक्स के ऊपर इस तरह से हम लोग प्लेस कर लेते हैं। ओके, एंड अभी हम इसका शेडो पहले ऑफ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पे कलर्स आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। ओके, मैं कलर्स यहाँ पे ब्लैक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, एंड फॉन्ट भी आप उसमें चेंज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ ये। ओके, एंड उसको रिसाइज करके सही से प्लेस कर लेते हैं। तो अभी हम टेक्स्ट लेयर में एनिमेशन ऐड करेंगे, तो उसके लिए इन एनिमेशन हम लोग इसमें यूज कर रहे हैं स्लाइड अप। स्लाइड अप मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, एंड उसके बाद ड्यूरेशन को सेट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी तक कुछ इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। तो अभी हमें आउट एनिमेशन ऐड करना होगा सारे लेयर्स में। जिस ट्रेंड में सारे लेयर्स यहाँ पे विजिबल हो रहे हैं उसी ट्रेंड में हम लोग आउट एनिमेशन यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो टेक्स्ट लेयर है उसको छोटा कर लेते हैं, और उसमें आउट एनिमेशन हम लोग यूज़ करेंगे। जो ऑपोजिट एनिमेशन है उसको यूज़ करेंगे, मतलब स्लाइड डाउन, देखिए, एंड उसका ड्यूरेशन भी सेट कर लेंगे। ओके, एंड उसके बाद जो रेक्टेंगल बॉक्स है उसको भी हम लोग आउट एनिमेशन यूज़ करते हैं, स्लाइड वाइप लेफ्ट। ओके, ड्यूरेशन सेट कर लेते हैं, उसी ट्रेंड में हम लोग सारे लेयर्स को एनिमेट करते चले जाएंगे। ओके, ये भी देखिए हम लोगों ने रिसाइज कर लिया। ओके, मतलब हर एक लेयर जिस तरह से विजिबल हो रहा है उसी ट्रेंड में सारे लेयर्स एक एक करके फिर आउट एनिमेशन यूज़ करके हम लोग अपने एनिमेशन से रिमूव कर देंगे। ओके, फिर हम लोगों ने इमेज को सिलेक्ट कर लिया, उसमें भी जो आउट एनिमेशन होगा वो हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए आउट एनिमेशन यहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे स्लाइड अप, स्लाइड अप, देखिए इस तरह से, एंड उसका ड्यूरेशन हम लोग थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं उसको। ओके, तो अभी तक इस तरह का एनिमेशन हो चुका है। तो मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को चेंज कर लेता हूँ, मुझे इसका कलर थोड़ा चेंज करके मैं इसको वाइट बना लेता हूँ, एंड फॉन्ट को भी हम लोग का उसको सीधा कर लेते हैं। ओके, ओके, तो ये हो गया हम लोग का फाइनल एनिमेशन। तो इसको हम लोग एक्सपोर्ट कर लेते हैं अभी। ओके,
एंड इसके बाद हम इस एनिमेशन को किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स से मैं इसको ले लेता हूँ, कोई एक इमेज ले लेता हूँ अपना। ओके, इसको ड्रैग कर लिया इस तरह से एंड इसमें लेयर्स में जाके अभी जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था उसको इस तरह से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, एंड इसमें हम लोग यूज़ करेंगे क्रोमा की इफेक्ट। जैसे क्रोमा की इफेक्ट यूज़ करेंगे जो ग्रीन स्किन होगा वो चला जाएगा एंड उसके बाद इसको आप रिसाइज करके जहाँ भी आप अपने प्रोजेक्ट में प्लेस करना चाहते हैं उस तरह से प्लेस कर लें। ओके, तो ये देखिए हम लोग का फाइनल प्रोडक्ट, ये देखिए इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो जाता है। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह से नए नए टेक्निकल वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नया टेक वीडियो के साथ मेरे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड बाय बाय।